हाय गाइस नमस्कार, आप कैसे हो? न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अब ये सुबह का 6 बजे है और बड़ा रोमांस टाइम है। बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रेवल के बारे में बताएंगे जो हम जाना चाहते हैं। आज जयपुर, तो हम जयपुर जाएंगे आज और आपको बताएंगे कि जयपुर के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नई चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत फ़ायदेमंद है, वो चीज़ आपको बताएंगे, उन चीज़ों की नॉलेज आपके डालेंगे कि जयपुर में कौन कौन सा विकास हुआ है। जयपुर के विकास के बारे में हम आपको वो बताएंगे, जयपुर में टनल्स और ब्रिज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अंडरपास, ऐसी चीज़ें नई नई जो बनी है उनके बारे में आपको अवगत कराने के लिए हम जयपुर प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारे घर का दृश्य है जहाँ से हम जयपुर जाएंगे। ये हमारी काउ जो दिख रही है वो काउज है। अब हम जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये देखिए हमारी एक गुड़िया है, ये भी वीडियो में बहुत ज़्यादा नाटक दिखाती है। देखो ये वीडियो पर ये फ़ोन को लेना चाह रही है। और ये हमारी जो गुड़िया है बहुत मेहनती गुड़िया, आपको हर ब्लॉग में हम दिखाते आए हैं, ये बहुत मेहनती गुड़िया है। और ये हमारी गाड़ी है जो सामने खड़ी हुई है, इससे हम आज जयपुर प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारे घर के आसपास का सारा नज़ारा है। हमारा ये पानी का टैंक होदा, जो भी आपको इसका भी ब्लॉग बनाया है। ये हमारे घर के सारे बच्चे लोग, ये हमारी गुड़िया, देखिए जी। अब हम घर से निकलने के 2 घंटे बाद जयपुर की सीमा में आ चुके हैं, जहाँ जयपुर में एंट्री करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम आगरा रोड से जयपुर के टोल को हम क्रॉस कर रहे हैं। ये जयपुर का जो टोल है, और टोल को ये अभी आपके सामने देखो, ये जो ट्रक गुजर रहा है इसके पीछे हम खड़े हुए हैं। और हमारी गाड़ी के लिए अब ये टोल ऊपर हो गया है। अब हम निकल रहे हैं आगे, और निकलते सामने पहाड़ियाँ हरी भरी दिखाई पड़ रही है। ये बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, जहाँ सामने से इस पहाड़ी को काट कर के आगे एक टनल बनाया हुआ है। इस टनल का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि यह जयपुर का एक तोहफा है जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, जो कांग्रेस सरकार की जयपुर को देन है, जो सामने अब धीरे धीरे ब्रेकर क्रॉस करने के बाद अब देखो ये घुमाव आ रहा है। इस घुमाव के बाद में आपको धीरे धीरे से अब ये टोल का वो दिखाई पड़ने वाला है टनल। देखो जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो टनल है, और इसके नीचे अब इसका गेट आने वाला जो आपको समय दिखाई दे रहा है। सामने एक ट्रक खड़ा है, एक ऑटो है। अब हम इस कार में बैठे हुए हैं, और इस कार में अब हम टोल में टनल में घुसने वाले हैं। देखो हम टनल में एंट्री कर चुके हैं, और ये हमारा देख कितना सुंदर टनल है जयपुर का। ये टनल जयपुर का नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा टनल है। इससे बड़ा लंबा कोई टनल और नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। ये एकदम लाइटों से सुशोभित और एकदम साफ सफाई और बड़ा मजबूती से बनाया गया है। ये अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है जो इसकी देखरेख एक कमेटी करती है। अभी ये नगर निगम जयपुर के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा और मजबूत टनल है। अब हम टनल के अंदर चल रहे हैं, आप देख रहे हो टनल के अंदर लाइटें जलती हुई नज़र आ रही है, और ये गाड़ियाँ इधर से उधर। अब ये टनल जयपुर के अंदर दोनों साइड अलग अलग है, आने के लिए अलग रास्ता, जाने के लिए अलग रास्ता, दोनों ही टनल के रूम में है। दूसरा टनल इसके जस्ट बराबर से है, जो अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक टनल आने का, एक जाने का है।
और धीरे धीरे जो आपको एक प्रकाश जैसे नुमा दिख रहा है, तो आगे आप देखो टनल का एंड हुआ नज़र आ रहा है। ये टनल का एंड हो गया है और दोनों तरफ की पहाड़ियों से निकलकर हम जयपुर में एंट्री करने वाले हैं। ये जयपुर का ब्रेकर आ गया है और एकदम सामने जो पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, वो पहाड़ी पर बहुत दूरदर्शन के यंत्र लगे हुए हैं, जहाँ से दूरदर्शन टीवी वगैरह में सबके जो संचालित होते हैं। और जयपुर में हम बिल्कुल अंदर लगभग हम एंट्री कर चुके हैं, जो अभी ये आ गया है। ये अंडरपास, ये जयपुर में एंट्री करने के लिए रास्ता है, ये अंडरपास बना था उससे पहले अंडरपास में घुस के निकला जाता है, निकलती थी। ये रास्ता बहुत ही पहले डायरेक्ट रोड थी, अब रास्ता है, यहाँ से छोटी गाड़ियाँ निकलती है, अंडरपास बनाया जा चुका है। ये बिना टोल वाला रास्ता है, सारी छोटी गाड़ी वाले परमिशन दी जाती है। यहाँ जयपुर में तीन प्रकार के रास्ते चलते हैं, एक अंडरपास वाला, दूसरा रोड वाला, तीसरा रोड के ऊपर से चलता है, जो अभी आपको ट्रांसपोर्ट नगर का सारा हाल के अंदर दिखाया था। दूरी गाड़ियाँ चलती है जिनके टोल ले जाते हैं, और अंडर पास के वही गाड़ियाँ जाती हैं, उनके टोल लेते हैं। ये सामने जो पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, वो नरसिंह बाबा की पहाड़ी है, और ये अंडर पास के अंदर चलने वाला रास्ता है। जयपुर का एक तोहफा है जयपुर के लिए, ये सारी छोटी गाड़ियाँ इधर से ही गुजरती है। टोल में ज़्यादा भीड़ न होने के कारण ऐसा रास्ता बनाया गया है, जिसको मतलब छोटी गाड़ी अलग से और टोल वाली गाड़ी अलग से जा सके, और काफ़ी ढंग से उसके ये जयपुर का नज़ारा है यार, दो बाधित होता था। और अब ये जयपुर का ट्रांसपोर्ट नज़ारा है, एक भी जो सामने जो दिख रहा है, वो जो आपको सामने पुलिया दिखाई दे रही है, इस पुलिया के ऊपर से वाहन गुजरते हैं, और ये जो घुमा हुआ है बहुत बड़ी पुलिया है, देखिए एम आई रोड पर घूमता है, इस पुलिया के ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, इसके नीचे पुलिया के पास ये ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर का मेन चौराहा। ये सामने बस खड़ी दिखाई दी है और वो गाड़ियाँ जा रही है ऊपर से भी। ये ऊपर वाली पुलों से भी गाड़ियाँ जाती है, नीचे से भी गाड़ियाँ। यहाँ भीड़ का बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ डबल मंजिल रास्ता कर दिया गया है। ये बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है जो पुल के द्वारा बनाया गया है। ये गाड़ियाँ निकल रही है ऊपर वाले पुल से, देखो ये गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ ऊपर वाले पुल से, बड़ी बड़ी भारी वाले वाहन ऊपर से निकलते हैं, देखो ये सारे भारी वाहन। यह ट्रांसपोर्ट नगर का अंडरपास रोड है, जो रोड के नीचे से सुरंग बनाकर उसके अंदर से निकाला गया है। ये यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में तीन प्रकार के रास्ते हैं, एक रोड से, दूसरा रोड के नीचे से, तीसरा रोड के ऊपर से। यह यहाँ अंडरपास बनाया हुआ है, यहाँ छोटी गाड़ियाँ निकलती इधर से, इनका टोल नहीं होता है, वो गाड़ियाँ इधर से निकलती है। और ये बहुत अच्छे तरीके से देखो अंडरपास बनाया हुआ है, ये सारी गाड़ियाँ इधर से निकलती है। एक रोड आने का एक जाने का है, ये बहुत ही सुंदर अंडरपास बनाया गया है।
अभी हम जयपुर के नारायण सिंह सर्किल पे पहुंच चुके हैं और नारायण सिंह सर्किल पे हम देख रहे हैं कि ये स्वचालित सीढ़ियां जो आपको सामने जो दिखाई पड़ रही है इस पे हम खड़े हो गए हैं और ये सीढ़ियां खड़े होते ही ऑटोमेटिक चल रही है धीरे धीरे। देखो हम इसमें से बैठने के बाद ऊपर पहुँचेंगे, ये सीढ़ियाँ अपने आप ऑटोमेटिक, देखो हम ऊपर पहुँच चुके हैं। सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छी सीढ़ी बनाई गई है ये सीढ़ियाँ।